हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज तो भयंकर वाली ठंडी है, बहुत ठंड है। आज मैंने जैकेट भी पहन के रखा है, आज मैंने जैकेट पहना है, बहुत ठंड है। आज मेरी पूजा वगैरह हो गई है, ये वाला पहनी हूँ। आज बहुत ठंड है, आज मेरी पूजा वगैरह हो गई है। अभी मैं चाय पीऊँगी और फिर फटाफट काम करूंगी। चलिए चाय बनाते हैं, आइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। चलिए चाय बनाते हैं। आज मैं खाने में बना रही हूँ मटर पनीर और साथ में पराठा। अभी मेरी पूजा हो गई है, ये रूम सेट हो गया है, वो रूम सेट करना बाकी है, खाना बनाना बाकी है। आज मैं सोच रही हूँ अपनी सहेली के यहाँ पे भी जाऊँ। बहुत दिन हो गए, मन भी एकदम अच्छा नहीं लग रहा, उदास उदास जैसा लग रहा। थोड़ा फ्रेंड लोग से मिल लो तो अच्छा लगता है। दो मौसम है, एक तो मौसम भी ना इतना डिप्रेसिव मौसम है, मन नहीं लगता। तो सोच रही हूँ आज फ्रेंड लोग से मिल लूँ करके, थोड़ा मन अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ भी नहीं हुआ रहता, फिर भी मन पता नहीं क्यों ऐसा उदास जैसा लगता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, बताइए? मेरे साथ होता है ऐसा, ऐसा बहुत रो कि क्या करूं, ऐसे टाइप से लगता है। कुछ मन नहीं लगता किसी चीज में, बस जी रहे जी रहे इस टाइप से लगता है। आज तो अच्छा लग रहा है, कल बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो ये मेरे को धूप ही अच्छी लगती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। मेरे को ये सब बादल बादल वाला मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कई लोगों को ये बहुत अच्छा मौसम लगता है, रोमांटिक लगता है ये वो, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत मीठी हो गई चाय। ये अब उस रूम को क्लीन कर लेती हूँ। कपड़ा भी डालना है मशीन में, सुखाना है। योगेश भैया, प्रेस के कपड़े ले आओ ना, बहुत सारे हो गए ना दो बार के। इसके कपड़े भी बहुत हो गए, प्रेस वाला भी जल्दी से देता ही नहीं प्रेस करके।
अब इस रूम में आ गई हूँ। अब इस रूम को सेट कर लेती हूँ। जो प्रेस के और भी कपड़े इकट्ठे हो गए हैं वो भी लॉन्ड्री बैग में डाल रही हूँ। अभी मटर पनीर बनाने के लिए मैंने प्याज बारीक काट लिया है। अगर आप लहसुन वगैरह खाते हैं तो लहसुन भी इसी समय पे। सबसे पहले मैं तेल डाल के उस पे इलायची, दो इलायची डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पे ज़्यादा मसालेदार नहीं पसंद है, जो नहीं तो आप लोग इसी स्टेज पे लौंग, तज वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी बड़ी इलायची। मैंने जीरा डाला है, अभी सूखी लाल मिर्च वगैरह भी डाल काजू सकते डलता है हैं। और और यहाँ पे काजू काजू लहसुन डलती है, पर मेरे रिचनेस पास बढ़ाने काजू के नहीं लिए था हम तो मैं डाल बादाम देंगे। डाल रही हूँ रिचनेस के लिए। तो 4-5 बादाम ये थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद प्याज डाल देंगे, लहसुन डालना है तो लहसुन डालिए। ये प्याज थोड़ा सा सुनहरा होने तक भुन जाएगा, उसके बाद फिर इसमें टमाटर डाल दूंगी मैं। ये देखिए प्याज सुनहरा भुन गया है। अब मैं टमाटर डालते रहेंगे। इसी स्टेज पे नमक भी डाल देंगे जिससे कि टमाटर गल जाएंगे अच्छे से। फिर इसे ढक करके और अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया टमाटर भी। अब मैं कश्मीरी रंग वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है वो डाल रही हूँ। और ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये सब अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसको मिक्सी में पीसेंगे। गरम गरम नहीं पीसना है। अब मसाला ठंडा हो गया है, अब इसे पीस लेंगे। अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। अभी और मैं तेल गरम करने के लिए हूँ, इधर मसाला पीस गया। ये इस तरह से बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके ये गरम तेल में डाल देंगे। वैसे तो मसाला पका हुआ है पर थोड़ा सा भूनेंगे। और इसे मैं उस स्टेज पे अदरक डालना भूल गई थी, तो अभी मैं अदरक कद्दूकस करके डाल दे रही हूँ। इसमें आप चाहे तो मलाई वगैरह भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ मलाई वगैरह। ये मिक्सर में बहुत सारा मसाला लगा ही रहता है, तो मिक्सी का पॉट भी मैं अच्छे से धो के डाल दी। अब इसको ढक करके सीम आँच पे अच्छे से
उबाल आने देंगे। इधर मैं पराठे के लिए आटा भी गूंथ ली। ये देखिए, हम ज़्यादा लाल हम मिर्च पाउडर वगैरह नहीं डाले हैं करके रेड कलर नहीं दिख रहा है, ये कलर है क्योंकि तीखा पसंद नहीं है इसलिए। अब मैं दूसरे तरफ दूसरे गैस के स्टोव में मैंने थोड़ा सा घी में मटर भून ली और वो यहाँ पर डाल दी मटर पनीर के लिए। इधर पनीर भी मैं क्यूब में काट लूँगी और पनीर भी अब डाल दूंगी। इस तरह से एक बार आप मटर पनीर बनाकर ज़रूर देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। ये मटर पनीर तैयार। ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बना था मटर पनीर। अब मैं पराठा बना ले रही हूँ। ये बन गई गरम गरम पराठे और मटर पनीर की सब्जी, टेस्टी टेस्टी। रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉच।